सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 3 माह बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर राजनीतिक गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। उपाध्यक्ष पद पर किरणमय नंदा और प्रमुख महासचिव पद पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव बरकरार हैं। ये दोनों पहले भी इसी पद पर थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 14 महासचिव बनाए गए हैं। इसमें मोहम्मद आजम खान, शिवपाल सिंह यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, अवधेश प्रसाद, इंद्रजीत वर्मा, मधु गुप्ता आदि शामिल हैं। 62 सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अभिषेक मिश्रा, पवन पांडे को भी जगह मिली है। इसी प्रकार पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा, लीलावती कुशवा, धर्मेंद्र यादव, जावेद आबदी, दयाराम पाल आदि को भी शामिल किया गया है। परंतु सबसे ज्यादा चर्चाओं में स्वामी प्रसाद मौर्य व शिवपाल सिंह यादव हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की नई कार्यकारिणी में महासचिव बनाया गया है। सपा मुखिया ने विवादित बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा के गद्दावर नेता शिवपाल सिंह यादव व मोहम्मद आजम खां के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में इसे बड़ा डेवलपमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर शिवपाल सिंह यादव के चाहने वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। शिवपाल सिंह यादव के समर्थकों ने खूब मिठाई बांटी और एक दूसरे को बधाइयां दी। आपको बताते चलें कि शमशाबाद निवासी सपा के सक्रिय सदस्य और नगर पंचायत शमशाबाद अध्यक्ष पद के दावेदार इजहार खान की खुशी का ठिकाना ना रहा। वहीं चाचा शिवपाल भी इजहार खान को मौके पर पाकर खुश हो गए और खुशी खुशी चाचा शिवपाल ने इजहार खान को अपने हाथों से मिठाई खिलाई और खुशी का इजहार किया। आपको ये भी बताते चलें कि इजहार खान समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और शिवपाल सिंह यादव के काफ़ी करीबी हैं और चाचा शिवपाल के पार्टी में कद बढ़ने के साथ ही इजहार खां की नगर पंचायत शमशाबाद अध्यक्ष पद की दावेदारी और भी मजबूत हो गई है। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक, और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।